गाड़ी अंदर रखो सर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुंबई के नालासोपारा में ट्रैफिक पुलिस और एक एडवोकेट के बीच में जमकर विवाद हो गया है। मामला सोमवार का है। एडवोकेट ब्रजेश कुमार भिलोरिया ने मोटरसाइकिल पार्क की थी और इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल जब्त कर लिया। ट्रैफिक विभाग के यातायात गोडाउन पर पहुंचे एडवोकेट ब्रजेश कुमार भिलोरिया और उनकी पत्नी वहां पर पहुंच गए और मोटरसाइकिल को वहां से जबरदस्ती निकाल कर ले जाने लगे। ट्रैफिक पुलिस ने गेट बंद करना चाहा, मगर तभी गेट को ढकेलते हुए एडवोकेट अपनी मोटरसाइकिल से आगे बढ़ गए और इस मोटरसाइकिल के चपेट में ट्रैफिक महिला पुलिसकर्मी प्रज्ञा दलवी आ गई और इनके हाथ और पैर में काफ़ी चोट लगी है। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेजा गया है। वहीं पुलिस ने 307, 353, 504 के तहत एडवोकेट ब्रजेश कुमार भिलोरिया और उनकी पत्नी पर मामला दर्ज कर इन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन्हें भेज दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडवोकेट ब्रजेश कुमार भिलोरिया ने पुलिस द्वारा लगाए इल्जामों का खंडन किया है और पुलिस पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। एक महीना पहले ही महिला पुलिसकर्मी और एडवोकेट के बीच में कहासुनी हुई थी और इस पूरे मामले में पुलिस कुछ भी कहने से अभी इनकार कर रही है। बहरहाल किस तरह से ये पूरा विवाद हुआ, आप भी ये वीडियो देखिए। ओ सर गाड़ी रुको, रुको आ रहे सर, आ रहे गाड़ी मिलेंगे, मत गाड़ी निकालो, मत नहीं आप उधर अंदर रखो, गाड़ी गाड़ी अंदर रखो, बाद में रखो गाड़ी अंदर रखो सर, आराम से आराम से ना, परेशान करते उसको क्यों मारा? पिछले दो महीने से गाड़ी अंदर, गाड़ी अंदर, पिछले दो महीने से टारगेट कर रही है लेडीज, क्योंकि इसका जिसमें मेरे पास वीडियो है, इसका दिखा रहा हूँ ना वीडियो, ऊपर रखो उसका भी हो जाएगा। हाँ कैसे तुम उठाए, तो तू ही कहाँ टच कर, तुम गाड़ी क्यों लेके आए उधर से अंदर से, लेडीज क्यों हाथ उठाए? आप सबने देखा है सर, नहीं नहीं उसका सर, वो सामने से गाड़ी उसके ऊपर चढ़ रहा है, वो गाड़ी जो गेट को बंद कर रहा है, मैं वहाँ खड़ा हूँ और रोड पर टैक्स नहीं दिया हूँ क्या? इंटेंशनली मुझे किया जा रहा है, परेशान किया था पुलिस को, 5 तारीख से मैंने FIR दर्ज किया है, CID 1328 एक खान